वस्त्र न्यूज में स्वागत है आपका। महेंद्र सरदार, हमने कल एक एपिसोड आपके सामने लाए थे ताकि वो विजयपुर गांधी चौक महिला पुलिस थाने का महिला पीएसआई का मेंटली टॉर्चर किस तरह चल रहा है, हमने कल भी बताए थे। आज उन्हीं के जिसके पति है, जिसके शोहर है, उन्हीं की जुबान से सभी सुनाएंगे। अब तो महिला पुलिस स्टेशन में तो अधिकारियों का ये कर्तव्य होता है ताकि किसकी भी जिंदगी ना टूट जाए ना बिगड़ जाए। तो इस पुलिस स्टेशन में पैसे कौन देते हैं, उन्हीं की तरफ इंसाफ करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होता है वो लॉकअप के अंदर बंद होता है, ताकि अब शब्बीर शेख उसकी बीबी के साथ कभी भी 10 साल में झगड़ा फसाद, छोटे मोटे तो अच्छे अच्छे बड़े घरों में भी हो सकते हैं, मगर गरीब के घर में तो होते ही रहते हैं, मगर शब्बीर और उनकी बीबी के साथ 10 साल से प्यार मोहब्बत से ही चलते आ गए, मगर ना जाने किस बिल्ली आड़े आ गई इनको लेकर। एक जहां पर हॉस्टल है वहां पर काम लगाया गया है, 4 महीनों में अपने शोहर को ही छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, हॉस्टल के लिए नहीं। आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या है जो शोहर नहीं चाहिए हॉस्टल चाहिए, ये तो बड़ा सवाल, बड़ा शक नजर से सोचा जाता है। आखिर इस हॉस्टल में है क्या जिसने हॉस्टल छोड़ने के लिए मना करते हैं मगर अपने पति को, अपने शोहर को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं मगर हॉस्टल छोड़ने के लिए नहीं। आखिर इस हॉस्टल में क्या है, हम भी जरा रिपोर्टिंग करने में जुड़े हुए हैं। आखिर अब तो पति का जो बात, अपने शोहर का तो बात अपनी बीबी मानना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि पति और पत्नी का रिश्ता 100 साल का होता है, सदियों पर मरते दम तक ये रिश्ता होता है, मगर ये रिश्ता हॉस्टल से ही खत्म हो रहा है। हॉस्टल से चलकर महिला पुलिस थाने से इनकी जिंदगी ही खत्म होने को अब आ गई है नौबत, ताकि अब शब्बीर यहाँ वहां पर गरीबी गुजार कर अपने बच्चों को पाल पोस कर एक अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा रहा है, मगर जिंदगी में उनकी बीवी बच्चों को कभी कम नहीं की शब्बीर शेख ने। अब यहाँ पर किस भड़काव पर आकर पुलिस स्टेशन पे जाकर शब्बीर की बीबी ने जाकर वहां पर शिकायत की, मगर वहां के थाने के पीएसआई, वहां के थाने के महिला पीएसआई सुबह से लेकर शाम तक बिठाकर इनको एफआईआर की धमकी देकर इनके घर वालों को पुलिस थाने से ले जाकर जेल को डालने की धमकियां देते रही और सुबह से शाम तक शब्बीर को यहाँ पर डालकर टॉर्चर करते ही रहे। अब शब्बीर का यही कहना है, ताकि शब्बीर ना शराबी है, ना चोर है, ना लुटेरा है, ना खून खराबा खूनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इस पुलिस स्टेशन में लेडीज पीएसआई, इन्होंने महिला पीएसआई समझान के वजह अब इनकी जिंदगी नरक कर चुकी है। अब शब्बीर का यही कहना है, अगर मेरी जिंदगी में कुछ खरोच आ गया, यही महिला पुलिस थाने के पीएसआई ही जिम्मेदार है, उनकी बीबी जिम्मेदार है और उनके बीबी के घर वाले जिम्मेदार है, ताकि इस पुलिस स्टेशन में डीवाईएसपी है, एडिशनल एसपी है, एसपी है, इनको शिकायत करने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले बाहर से बाहर ही भेजते हैं। आखिर जब न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, तो आखिर चल रहा है क्या। अब तो अदालत में जजमेंट चलना चाहिए मगर ऐसा नहीं, यहाँ पर पैसे लेकर ही यहाँ पर इन्होंने ही खुद एक अदालत बनाकर बैठे हैं, पीएसआई ही खुद जजमेंट करती है। आखिर कौन पैसे देता है, उन्हीं का इंसाफ इस विजयपुर के गांधी चौक महिला पुलिस थाने पर होता है। फिर से हम अगले एपिसोड में यही एक रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट। मैडम एल जेराक्स अद यार कंटेक्टर यार नहीं
ಹೌದಲ್ಲ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅವದಾವು ನೀವು ಹೋಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ ಜರ ಶಿಕಾಕತ ಮೇಡಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿಕಾಕ ತೇರಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೇನೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಟಿನಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ ಇದು ತಮ್ಮ ಏನದು ಯಾವುದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ದಿನ ಸಿಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ಬಾ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿನಗ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿರ ಒಂದು ಬಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಬಾ ನಿನಗೆ जेराक्स स्वल्प लेट आगत केस ನೀವು ಹೋಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗ ಜರ ಶಿಕಾಕತ ಮೇಡಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿಕಾಕ ತೇರಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೇನೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ಇಟ್ಟಿನಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ ಇದು ತಮ್ಮ ಏನದು ಯಾವುದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ದಿನ ಸಿಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನಿನಗ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿರ ಒಂದು ಬಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಮೇಡಮ್ मुझे मेरी बीवी के ऊपर हॉस्टल में काम करते थे देखो छोड़ो करके बोले तो नहीं छोड़िए उसके ऊपर शक आया मुझे शक आने के बारे में बोलने के बाद महाराज को छोड़ता हूँ मैं काम नहीं छोड़ता हॉस्टल नहीं छोड़ती है कौन क्या करता है देखेंगे कर बोलिए अब उसके लिए पुलिस स्टेशन को बुला को मेरी जोरों में धमकिया दे रही जा कौन है तो पहले पीएस है मैडम ही है बुला को समझा को भेजने के बजाय बेटा मारता हूँ टॉर्चर देता हूँ तेरे अंदर भाता हूँ नहीं कराएगा तो तेरे अंदर कोर्ट को भेजता हूँ ऐसे करता हूँ कर रहे हैं क्या कर सकते हैं जा कौन है तो पहले पीएस है मैडम ही है बुला को समझा को भेजने के बजाय बेटा मारता हूँ टॉर्चर देता हूँ तेरे अंदर भाता हूँ नहीं कराएगा तो तेरे अंदर कोर्ट को भेजता हूँ ऐसे करता हूँ कर रहे हैं क्या कर सकते हैं पीएस है मैडम मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं मुझे मेरी भान को मेरे घर में कितने जने लोग आए बाप माँ भाना को सबको टॉर्चर कर को जेल में भाने लगा तो कर रहे हैं और बात करें तो मुँह का असर का हल्का गाले दे रहे हैं प्यार से पूछने का नहीं है कभी नहीं रान के माँ मुझे पीएसआई मैडम से फोन आया था गांधी चौक महिला संघ से जाने के बाद मुझे पूछा मैं मैडम को क्या मैडम कई बार में बुला रहे हैं को गया सब धमकी देने लगे मुझे मैडम कई के बारे में को नहीं तेरी जोरी का क्या क्या है सुना चांदी फेफड़ा क्या है देख भेज नहीं का तो तुझे भाग अंदर भाग कुचलने लगा था और सब मुझे टॉर्चर दे रहे हैं बहुत मेरी माँ भाना को भाया को सबको खस रहे हैं मुझे एक गलती कर सक सबको खस रहे है मैं कह रहा मैं कबूल करते कर बोले तो नहीं कहते तुझे अपायर फाड़ अंदर लगाता हूँ तो बैठो आज क्या करता देखेंगे करके धमकी दे रहे हैं मुझे कल के दिन मुझे क्या भी हुआ तो उसके साथ मुझे महिला संघ वाली टीएसपी सर्विस है मैडम है और ऐसे मुझे क्या भी खर्च लगी तो मैं मेरे सास ससुर मेरी बीवी से करे तो मुझे मेरी बीवी के ऊपर हॉस्टल में काम करते थे देखो छोड़ो करके बोले तो नहीं छोड़िए उसके ऊपर शक आया मुझे शक आने के बारे में बोलने के बाद महाराज को छोड़ता हूँ मैं काम नहीं छोड़ता हॉस्टल नहीं छोड़ती है कौन क्या करता है देखेंगे कर बोलिए अब उसके लिए पुलिस स्टेशन को बुला को मेरी जोरों में धमकिया दे रही मैं शब्बीर की अम्मा बोल रही हूँ शब्बीर मेरा बेटा है मेरे बेटे को अंदर भाई मेरे बेटे कई पात्र बैंक तो इन्हें कागज दो भांडे दो सो बोल को दियो कर कती है कर भी बुलाए कर भी डा कर भी क्या रे सोप दिए है दियत भी चुप गई भी आज भी बुला को और भी और अंदर डाली है लाल को पुलिस ने डरा रही हमला मारतू तोड़तू सुना लेकर पैसे लेकर कती है उन्हें हमला डर बाहर रही है भूत ये सब उसकी वजह से क्या डर हम ना महिला संघ की हमें कर देते हैं कर को बोल को हमें करे हमारे जमात के अंदर हमने फैसला कर दो कर को चार लोग में भी बात करे हमें करे तो सुनने के तैयार नहीं फिर को घड़ी खाली कचहर को जा रही उन्हें वो पुलिस को क्या है उन्हें पुलिस ने हमला धमकी दे रही
मेरे बेटे का मारतू कर रही हूँ, अंदर भातू कर रही हूँ, एक महीना भर रखतू कर रही हूँ, वो डरा रही हूँ। तुम्हें क्या करते है, तुम्हें इंसाफ करके देना हमना और बेटे का भी। उसके कहने क्या गलती रहे तो हम ना बोलो, हमने हमें इसी गलती हमें बोल लेते हैं। हमें क्या भी नहीं सोच, चुपका चुपी नको करके तो हटल नको करके तो जिद कर जाती हूँ। मर्द ना कहे तो भी मर्द नको जागे करके तो मैं तुझे मर्द छोड़ दू, मैं हॉस्टल छोड़ दू कती, घर छोड़ दू मैं कती, और तो मुझे हॉस्टल रुहना कती। उसके ऊपर ये ऐसा बात बोलने को शक का को तुझे क्या भी अच्छी नहीं आती हॉस्टल के अंदर, उसके बारे में तू मजे की छोड़ तू कर रही तेरी जमात लेकर जमात के अंदर हमें करेंगे। कहे तो सुन रही खाली रोज उठ को कचहरी जाको धमकी दे रही हम। फजर बुला ली जाती शाम तक बटाती, फजर बुला ली जाती शाम तक बटाती, उनको पैसे खिला को करी छी मैडम को। उन्हें हमना को हमना इतनी दिन तक हमने मालूम नहीं आता, अभी चढ़ाई सरी उन्हें हमने मालूम इतनी नहीं आता। हॉस्टल लगाए थे हमें अच्छा करेंगे कर बोल को लगाए थे, फिर भी नहीं अंदर का ऐसा अलग अलग चीज करने लगी। सामना शक आया मर्द इस पकड़े मर्द को शक आया, मर्द शक आको तो छोड़ो कर रहा हूँ। उसके बारे में हम ही सोच जाने छोड़ तो पुलिस स्टेशन में क्या बोल रहे तुमने? पुलिस स्टेशन में क्या बोलते है, उन्हें क्या पूरा कागज पत्र लाना, पाल कागज पत्र लगा को दिए एक महीना भर उन्हें रावना राव को मैडम का पुलिस स्टेशन में पुलिस ने मैडम को तो देना पैसे महीना भर देना, महीने के एक बार उसे देना कहते पुलिस ने को। उन्हें दिए के बाद क्या है उन्हें एक महीना देखती है। तुम्हारा बेटा क्या रहा नहीं क्या इतने साल से रहा था इतने साल तक की 10 वर्ष हुआ मेरे बेटे की शादी हो को। कितने बच्चे? 2 बच्चे ही। कितने वर्ष हुआ शादी हो को? 10 वर्ष हुआ शादी हो को, 10 वर्ष हुआ। अभी इतने दिन तक आप 4 महीने उन्हें रहने लग को उसकी और मेरे बेटा भाया नहीं क्या भाया नहीं तो सत्य क्या अभी आप चुप रंधे कर बोल को लगाए तो ही अंदर ऐसा कर रही। आप पुलिस तुम ना इंसाफ दे रहे हैं क्या? नहीं हमने हिसाब नहीं दे रहे पुलिस, हमने हिसाब ही दे रही नहीं। उनकी तरफ पीत कर रहे हैं हिसाब, उन्होंने पैसे खिलाई दिस उनको उन्हों कर रहे, वो हमारे हिसाब नहीं पकड़ रहे पुलिस। पुलिस भी कर रही नहीं, मैडम भी कर रही नहीं हमना, हमें महिला संघ वाले हमना बेटा कहाँ है? मेरे बेटे जेल में भाई उन्होंने अंदर भाई तू क्या ऐसा तुम हिसाब करना शाम तो क्या बोले उन्हों तू लाग दे तो ठीक है, नहीं लाग दे तो पट्टी मार तू तुझे अंदर ऊपर भातू है तो ऊपर केस करता हूँ करको धमकी दे रही हूँ धमकी दे दे को बटे। हमने फजर आज 8 बजे ले गए सले, हमें अब भी भा रही मेरे बेटे को हाथ बटाए तुम्हें इंसाफ देना जमात के अंदर तुम्हें इंसाफ करके देना, नहीं दिया तो इसका आज्ञा का क्या है तुम्हें करो।